हाय फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया उत्पत्ति समय स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मैं कहीं पे गई थी, तो फिर वहाँ पे मुझे ये प्लांट मिला और ये एक उस प्लांट में एक ही फ्लावर खिला था। देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर है, इतना खूबसूरत है कि हमारी प्रकृति ने कितना कितना खूबसूरत इतने रंग बिरंगे फूल बनाए हैं ना। ये फूल को तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी, पहली बार देख रही थी। और ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके जो लीव्स था ना बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं सोची इसको अगर हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जाए तो शायद अच्छा लगेगा। मैंने कटिंग लेके आई हूँ और लगा भी चुकी हूँ, देखती हूँ ये लगता है या फिर नहीं लगता है और ये कौन सी सीजन में फ्लावर खिलता है। अभी तो एक ही फूल, सिंगल फूल ही देखिए, इतना बड़ा प्लांट है और इसमें सिंगल फूल खिला था। देखिए ना, यहाँ पे आसमान कितना खूबसूरत है। आज दिन ढलने वाला था और शाम आने वाला था, तो उस टाइम में वीडियो बना रही थी। देखिए आसमान कितना साफ और इतना खूबसूरत है, मुझे ढलता हुआ, जो दिन ढलता हुआ आसमान मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ फ्रेंड्स, ये जो फूल के बारे में मैं बता रही थी, मैं पहली बार इसको देख रही थी। अगर आप लोगों को, आपने क्या देखा है इस फूल को, तो फिर मुझे बताइएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को मेरी फूल दिखाती हूँ। मेरी अभी यहाँ पे भी दिन ढलने वाला है और शाम आने वाला है, तो ढलता हुआ सूरज की रोशनी में देखिए मेरा फूल कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा गोमफ्रेना कितना प्यारा लग रहा है। कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, लास्ट संडे को मेरा यहाँ पे जितना सारा फूल था वो सब चोरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है वो उतना हाइट का बाउंड्री वॉल नहीं है। तो फिर जो जिन्या खिला था, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो सारा जिन्या चोरी हो गया। तो फिर उस दिन मुझे सारा दिन रोना आया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं लोग क्यों फूल चोरी करते हैं, मुझे तो फूल तोड़ना भी पसंद नहीं है। और ये बस थोड़े थोड़े एक दो जिन्या बाकी रह गए हैं, तभी वो छोटे छोटे थे और व्हाइट कलर के थे, शायद ये बच गए। तो मेरे पास ये 2 जिन्या ही अभी बाकी है और एक खिला है, 3 जिन्या ही मेरे पास बाकी है। इसको मैंने ट्रस्ट बास्केट से ही इसका सीड मैंने मंगवाई थी और मुझे 100% रिजल्ट मिला था। मैं सोच रही थी इस बार इस जिनिया से सीड्स कलेक्ट कर लूँगी जब फूल सूख जाएंगे। वो सूखे हुए फूल को भी तोड़ के ले गए, पता नहीं क्यों। और फिर ये सदाबहार देखिए फ्रेंड्स, स्वदेशी वेराइटी का जो सदाबहार है ना, इसके कटिंग्स बस 4-5 दिन में ही लग जाते हैं और 100% लगते हैं कटिंग से। और बहुत ही अच्छा, इसमें साल भर इनमें फूल खिलता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अभी व्हाइट कलर का सदाबहार मेरे पास नहीं था, मैंने तो रास्ते के किनारे से इसके कटिंग लेके आई थी, देखिए लग गया। और ये टोरेनिया तो अभी जाने वाला है मेरा, कितना सारा टोरेनिया खिला था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अब इनमें से मैंने सीड्स फिर से कलेक्ट कर लूँगी और नेक्स्ट सीजन के लिए इनको रेडी कर लूँगी। देखिए ये वाला जिनिया अभी खिला है और इसको भी मैं सोच रही हूँ, ये फूल भी जब सूख जाएगा फिर मैं इससे भी सीड कलेक्ट करूँगी। फ्रेंड, अगर जो भी फूल अभी आपके मानसून गार्डन में है, उन फूलों को, जो फूलों से सीड कलेक्ट हो सकता है, आप सब कलेक्ट करिए और न्यू प्लांट भी ग्रो करिए कटिंग से, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है। अभी हमारे ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा रहता है कि प्लांट बहुत आसानी से, आराम से लग जाते हैं कटिंग से। ये वाला जिनिया भी कितना खूबसूरत लगता है ना। और फ्रेंड्स, देसी वैरायटी का जो हिबिस्कस है ना, मेरे पास ये व्हाइट कलर का हिबिस्कस यहाँ पे है, तो इनमें तो साल भर फूल खिलता रहता है और इनको इतना केयरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। थोड़े थोड़े बार सब खाद डालते रहिए, महीने में एक बार या 15 डेज में एक बार इनमें बहुत सारे कलियाँ बनते हैं। और कटिंग से भी न्यू प्लांट ग्रो करिए। और फिर ये मेरा भूटान मल्ली का प्लांट है, भूटान टगर भी कहा जाता है, भूटान जास्मिन भी कहा जाता है, और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड। और ये फूल मुझे बहुत प्यारा लगता है, स्टार शेप में है ना। और फिर यहाँ पे गोमफ्रेना का फूल, एक बार आप लोगों के लिए, ये फूल जब सूख जाएगा फिर मैं इससे सीड कलेक्ट कर लूँगी। यूँ तो ये फूल जब सूख जाता है फिर ज़मीन पर पड़ के अपने आप ही प्लांट ग्रो हो जाते हैं, लेकिन मैं इनको कलेक्ट करके रख लूँगी नेक्स्ट सीजन के लिए। और फ्रेंड, ये है जो बेगम बहार का प्लांट, पता नहीं इसका एक जो फूल खिला था, एक पंखुड़ी कैसे गिर गया। और फ्रेंड,
ये जो प्लांट है ना, इसका रूट बाउंड हो चुका है। मैं इसको रिपोर्ट करने की सोच रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी बताई थी ना, इसको रिपोर्ट करूँगी, लेकिन इनमें इसमें इतना सारा कलियाँ अभी बने हुए हैं कि मुझे रिपोर्ट करने का मन नहीं करता। अगर प्लांट को कुछ हो जाएगा तो फिर, जब मैं इसका परचेज की थी तो फिर मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं था। लेकिन अभी मैं प्लांट को थोड़ी थोड़ी समझ रही हूँ, तो फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या मुझे अभी रिपोर्ट करना चाहिए क्या? और फिर देखिए ना, नीचे मेरा बोगेनविलिया का जो फूल खिला है, थोड़ा थोड़ा बस फूल खिला है, उतना फूल नहीं खिला है, क्योंकि मैं अभी क्यार नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे पास व्हाइट कलर का ही बोगेनविलिया है और थोड़ा थोड़ा फूल खिला है। और फिर ये मेरा येलो कलर का एक जोड़ा है। मैंने आप लोगों को बताई थी ना, मेरे पास येलो कलर का एक जोड़ा नहीं था, मैंने 1 महीना पहले इसका परचेज की थी। देखिए इसमें भी कितने सारे कलियां बने हुए हैं, और जब फूल खिल जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और अभी मेरा जो ये भी एक देसी वैरायटी का सदाबहार है। देसी वैरायटी का जो सदाबहार है, इसमें व्हाइट कलर का आता है, और एक ये कलर का आता है, और इसका एक डीप शेड में भी आता है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये गार्डन में रहता है तो साल भर इनमें फूल खिलता रहता है, और ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके लीव्स देखे ना, कितना कितने चमकते हैं और कितना ग्रीन लग रहे हैं। इसके ये जो फूल है, इसको भी किसने थोड़ा सा, पता नहीं इसका भी एक पंखुड़ी क्या हो गया। कितना खूबसूरत है, देखिए इसका जो कलर है, ये ग्रीन कलर के पत्तियों के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड, ये मेरा 4 o'clock का प्लांट है। ये बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन इसलिए मैंने इसका कटिंग कर ली थी, प्रूनिंग कर ली थी, तो फिर अभी न्यू फिर से इसकी ग्रोथ हो रही है। इनमें भी कुछ दिनों के बाद विंटर में इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। और मैं आप लोगों को, आप मेरे फ्लावर्स के अपडेट दूं और एक जोड़ा ना दिखाऊं, ये तो नहीं हो सकता है। देखिए मेरे मेरा एक जोड़ा में, देखिए अभी ये लास्ट फूल बचा है। ये जब खत्म हो जाएगा फिर से कलियां बनना शुरू हो जाएगा। जब तक विंटर ना आ जाए, ये प्लांट में कलियां बनता रहेगा, फूल खिलता रहेगा। और प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये पिंक वाले में तो बहुत सारे कलियां अभी भी बने हुए हैं। और ये है मेरा कोलियस, देखिए ये वाला कोलियस कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना हेल्दी है, इसका कलर कितना अट्रैक्टिव है। और फ्रेंड, अभी मानसून ख़त्म होने को है, सितंबर तो शुरू हो चुका है, बस थोड़े दिन बाकी है। आप बहुत सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के कटिंग लगाइए आपके गार्डन में। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, बाय।